सभी जल निगम रिटायर इंजीनियरिंग ग्रुप के सदस्यों को मेरा सादर वंदन। मैं श्रीमती मधुलिका सरन जी एवं उनके सहयोगी सदस्यों से की बेहद आभारी हूँ जिन्होंने ये श्रृंखला को शुरू किया है। इस श्रृंखला में हम सभी व्यक्ति विशेष के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके प्राप्त अनुभवों से हम प्रेरणा लेंगे, ऐसा मेरा विचार है। मैं वीना अरोड़ा, पति श्री एस के अरोड़ा। अरोड़ा साहब ने 1967 में रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग पास किया। उसके बाद उन्होंने 5 वर्ष तक BVR रूरल इंस्टीट्यूट बिचपुरी आगरा में अध्यापन का कार्य किया। 1972 दिसंबर में उन्होंने LSGD ज्वाइन किया। उसके बाद हम 73 में गाज़ियाबाद आ गए, 74 में जल निगम कॉलोनी में आ गए। यहाँ बहुत आनंददायी और सुखद अनुभव थे। सभी मिलजुल कर रहते थे, सभी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, त्यौहार मनाते, होली दिवाली विभिन्न तरह के त्यौहार, तीज सबका खूब आनंद लेते थे। तीज पर, होली पर तो टाइटियस भी होते, तीज पर झूला लगता था। अरोड़ा साहब दिल के बहुत सच्चे और बेहद ईमानदार दो टूके स्पष्ट इंसान थे। मैंने जिंदगी जीना, जिंदा दिल रहना, मस्त रहना उन्हीं से सीखा और जाना जिंदगी की परिभाषा क्या है, एक सुंदर सुखद अनुभूति, आस्था और विश्वास। अरोड़ा साहब कहते थे, बुराई को बुराई से नहीं मारा जा सकता, नापसंद बातों को दिल पर मत लिया करो, लेट इट गो, फॉरगेट इट का फंडा अपनाते थे। जिंदगी एक बहती धारा है, अवरोध तो आएंगे ही, बी कूल, और बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे, थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना भी, लेकिन यह गुजरती नहीं अपनों के बिना भी। अगर जीवन में कुछ आ रहा है तो आने दो, चिंता मत करो, अपितु ये भाव रखो कि ईश्वर हमें कुछ और अच्छा देने वाला है, ईश्वर में भाव रखो कि ईश्वर में कुछ और अच्छा देने वाला है, कुछ और बेहतर देने की तैयारी में जुड़ा है। जीवन के घटनाक्रम को भूलकर बच्चों की प्रगति व श्रेष्ठता के लिए विचार आने लगे और बिटिया बेंगलोर में सेटल थी। अर्जन और विसर्जन जिंदगी के दो पहलू हैं, इसी खोज में बच्चों के साथ में कैलिफोर्निया आ गई। यहाँ आकर इंडिया कम्युनिटी सेंटर ज्वाइन किया। यहाँ सभी भारतीय बड़ी उम्र वाले जिनसे चला भी नहीं जाता व्हीलचेयर पर आते हैं, वो भी सभी अपने कार्यक्रम में बेहद आनंद से प्रोग्राम बनाते हैं। जो डॉक्टर हैं वो स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते हैं, योगा भी सिखाते हैं, अपनी लिखी कविता का पाठ व लेखन करते हैं अथवा भजन कीर्तन भी करते हैं, नाट्य प्रस्तुति करते हैं, डांस भी करते हैं। सभी बढ़ चढ़ कर अपना अपना योगदान देते हैं। कैरम खेलना, ताश खेलना व सुंदरकांड का पाठ करना, राम स्तुति करना और सभी बहुत कुछ अच्छा उसी में व्यस्त रहते हैं। यहाँ सभी अपने अपने कार्य स्वयं करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं ना कि सहारा लेते हैं। हम सभी मिलजुल कर कुछ अच्छा करें, स्वावलंबी बने, आश्रित न हों, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए यहाँ आकर, ऐसा कुछ मैंने सीखा। अपने तजुर्बे को शेयर करना चाहती हूँ। हमारे आसपास अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, बस हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। यदि मन विभल है तो मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, पॉजिटिव बने, मन को शांत रखने का प्रयास करें। शुभकामनाओं के साथ, जिंदगी यूं ही चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे।